भाई इन लोगों का प्लान पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कभी कोई चाउमीन कह रहा है, कभी कोई क्या कह रहा है। मक्खन बन चुका है हमारा, नाश्ता बना हमारा, बिल्कुल रास्ते का आपका जो नाश्ता तैयार हो गया घर को, और फिर मैं जाऊंगा पूरा पूरा दुकान पूरा जल जाता है, मैं भी जाऊंगा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज सुबह की शुरुआत हो रही है दादा के साथ, लस्सी के साथ, और हम आए हैं हमारे घर के पास ही है कृष्णा डेयरी, ओपन हुई है बहुत टाइम हो गया वैसे काफ़ी। ये रही डेयरी कृष्णा डेयरी, बहुत ही अच्छा ये सारी चीज़ें देते हैं यहाँ पर, पनीर दूध देसी घी आपको जो भी चाहिए सारी रेट लिस्ट ये लगी हुई है। तो दादा और मैं यहाँ पर मोस्टली लस्सी पीते रहते हैं, आज सुबह पी है 11 बजे के आसपास हम पी रहे हैं इसे। बहुत टेस्टी, मैंने हल्द्वानी में लगभग जो यहाँ की फेमस लस्सियाँ हैं सभी का स्वाद है, लेकिन जो यहाँ पर का स्वाद है वो अलग है, बिल्कुल बेहतरीन है। एक बार आइए यहाँ की लस्सी पीजिए, और प्योर दूध की है, नज़दीकी जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे वहाँ से यहाँ पर दूध आता है, दूध दही घी सब वहीं का बना है और बिल्कुल प्योर है। और ये हमारे पर लस्सी, यहाँ पर आके लस्सी का आप आनंद लीजिए, घी लीजिए, छाँक सभी कुछ है यहाँ पर। मुझे यहाँ की लस्सी बहुत प्यारी लगती है, आप भी आके एक बार जरूर इसका स्वाद लीजिए। बिल्कुल गाइस बिल्कुल, तो जो भी मेरे आसपास के भाई लोग देख रहे हैं वो जरूर आइए। तो लस्सी का आज हमारा नाश्ता हो रहा है लस्सी के साथ, वैसे हम दो पराठे खा के आ गए हैं पर हमने कहा खाना पचाने के लिए लस्सी पी ली लिया है, तो हम लोग पी रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है गाइस, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, लस्सी पीते हैं फिर आपसे मिल रहे हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ शॉप पे, और काफ़ी दिन बाद मैं आया हूँ, दो दिन के बाद मैं आया हुआ हूँ आज शॉप पे। और यहाँ जैसे शॉप में आया तो हमारे कपिल भाई ने शॉप की जो हालत है ना ऐसी क्रीम कर रखी है बिल्कुल गजब तरीके से। देखो यहाँ सब टांग रखी है, हमारे चार स्मार्ट लौंडे हमेशा की तरह ड्यूट लग रहे हैं। और गाइज बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पैरों में पेन, हल्का सा थोड़ा सा कंधों में, तो होता नहीं कि थकान, जैसे ही आपके घर पे कोई फेस्टिवल होता है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा लगता है कि भाई आज बॉडी थोड़ी थक रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली हो रहा है, बट फीलिंग सी आती है ना ऐसे, क्योंकि एक्साइटमेंट होता है कुछ भी ऐसे फेस्टिवल होता है या कुछ भी फंक्शन होता है, बट नेक्स्ट डे क्या होता है कि वही आपका डेली जो डेली आप करते वही चीज़ें होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ नॉर्मल लग रहा है वो, मतलब थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अभी बैठे हुए शॉप पे, बाकी सारे भाई लोग अभी बाहर आए हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा चलते हैं शॉप में कुछ हल्का सा बना लेते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है, वैसे प्लान है अभी कहीं जाने का, अगर हो सकेगा तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, खाली दिन में 2-3 घंटे अपना कोई जो हम दिन में निकल जाते हैं अभी, तो देखते हैं क्या होता है। और आप ब्लॉग पे हैं तो बने रहिएगा। तो भाई इन लोगों का प्लान पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कभी कोई चाउमीन कह रहा है, कभी कोई क्या कह रहा है, क्या है तो क्या है क्या, हेलो है क्या, फिर क्या है, क्या कहना चाह रहा तू? ये तो उसको पता होगा ना, किसको पता होगा, उसको उसको जिसको पता था, हाँ तो किसको पता था, वो तो उसको पता होगा, तो उसको जिसको पता था कौन किसको पता होगा, उससे पूछो वो पता कौन है, पता कौन है। ये कल से जब से मुरादाबाद से आए हैं तब से बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया सारे जो पता नहीं है इसका बाबा कौन है, क्या हो गया बात बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, कुछ क्या हो गया तुमको? वो तो इसको पता होगा, वो तो से पूछ लेंगे, वो कौन इसके बाबा। हमारे दादा और निक्कू और मैं अभी आए हैं हल्की सी चाय की चुस्की लेने के लिए, और दादा ने टी टाइम है हमारा, टाइम है हमारा, तो दादा ने भी थोड़ा बिस्किट खा लिए हैं एक आध पीस, और मैं भी खाता था बटर वाइट बिस्किट, बहुत पुराना हमारा, बहुत टेस्टी और बहुत पुराना हमारा ये बिस्किट है, और मुझे सब बिस्किटों में बहुत बढ़िया लगता है बटर वाइट ही लेता हूँ मैं, अच्छा है बहुत बढ़िया। कौन सी कंपनी का है? प्यारा प्रिया गोल्ड, ये प्रिया गोल्ड वालों का है। भाई अभी चल रही है चाय की चुस्की हमारी, चाय आएगी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, तब तक हम बिस्कुट खा के काम चला रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कल हमने ज़्यादा राजमा खा दी और आज पेट ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो राजमा हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कल का लाइट लंच चल रहा है हमारा बिस्किट।
हमारी चाय आ चुकी है और ये रहे हमारे दादा चाय के साथ। चाय कड़क दिख रही है, चाय बहुत ज्यादा कड़क हो रही है, बहुत बढ़िया चाय हो रही है, कड़क एकदम वहां तार। यार ये बहुत अच्छा बनता है, कुत्ता तो कभी नहीं। भाई खा रहा है बन मक्खन, क्योंकि ये वेजिटेरियन है, ये बन मक्खन ही खाता है, चिकन अंडा वगैरह कुछ नहीं खाता है। लेकिन हमने मंगा रखा है अपने लिए बन ऑमलेट, बन ऑमलेट ठीक है, थोड़ी गर्मी भी रहेगी और लाइट खाना रहेगा। खा लो। और जो बन है उसके उससे पेट जो खराब हो रहा है वो सही हो जाएगा, थोड़ा कब मंगाया है। मक्खन बन चुका है हमारा, नाश्ता और हमारा बिल्कुल अच्छा है। आपका जो नाश्ता तैयार हो गया है, थोड़ा सा लाइट लंच है, लाइट लंच है और थोड़ा पार्टी में थे। हाँ डेरा साहब आ जाइए आप, माता बन खाना खा के हालत खराब हो गई है वहाँ, वहाँ के सोडे वोडे से हमारा पेट हो गया है। अगला खाना थोड़ा लाइट डिनर लेते हैं, लंच ले रहे हैं, फास्ट रहता है, स्पेशल रहता है, तो आज हम थोड़ा हल्का लेने के मूड में आए हैं। एक बड़ी फेमस दुकान है यहाँ की, यहाँ पर मोमो और चाउमीन मतलब स्नैक्स वगैरह के बहुत माहिर हैं, एकदम स्पेशल दुकान में आए हैं। आप लोग भी आए कभी? भैया सुगंध बहुत अच्छा बनाते हैं, हाँ, और सब चीज़ में इनका जो वो है क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। ये अभी हम ये अंडे का आमलेट और बन ले रहे हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। अब सीधे चल रहे हैं हम दादा के फ्लैट में, मैंने ऐसे खा लिया, खाते खाते जा रहा हूँ। स्कूटी लाऊं मैं अपनी? चलते हैं गाइस, बड़ा लोग हो रहे हैं। और ये रही हमारी दुकान देवभूमि रेस्टोरेंट, ये भगवानपुर के पास ही है, बहुत ही फेमस दुकान है, ये है इसकी लोकेशन, तो यहाँ पे आके आप खाइए, बहुत बढ़िया बनाते भैया। तो अभी हम आ गए हैं राजदा का मकान देखने के लिए, बट मैं आपको मकान अभी कुछ कुछ हल्की झलकियाँ दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जिस दिन ये मकान बन जाएगा उस दिन आपको दिखाएंगे, तो हल्की सी झलक दिखा देता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा भाई साहब। ये रही झलक देखो, ये वाइट कलर का जो मकान है, तो दादा ने भी पूरा बनाया नहीं है, आराम आराम से बना रहे हम। आ गए हैं दादा के घर पे, और अभी हमारे जो फूफा जी हैं, यानी कि दादा के पापा और सबसे छोटे वाले दादा, दादा के सबसे छोटे भाई, वो आने वाले हैं घर देखने के लिए, तो हम लोग भी आ गए यहाँ पर। और हल्का सा जो हमारा लंच था वो हो गया है भाई, मैंने तो कल ना राजमा और अरहर बहुत खा दी थी, आई थिंक उससे थोड़ा पेट हो गया, तो अभी उनको हम दिखाने आए हैं घर, खासकर फूफा जी को, वो हमारे पुराने इंजीनियर हैं, रिटायर्ड, काफ़ी एजेड हैं, तो उन्हें हर एक एक चीज़ जो है बारीकी से पता है कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है, तो वो चीज़ वो दादा को बता देंगे। तो बस दादा आए हैं दिखाने, साथ में हम भी आ गए हैं, और उसके बाद सीधे निकलते हैं शॉप पर, तो शॉप में आपसे मिलेंगे। देखते हुए बारीकी बताते हुए ठेकेदार को क्या क्या कमी हुई है, बाकी सब हो गया गाइज। और फूफा जी को दिखा दिया मकान, फूफा जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये रहा आंगन, बहुत ही मस्त, बड़ा बड़ा आंगन निकल के आया है, देखो भव्य, ये पत्थर लगे हैं घिसाई के बाद, बहुत ही चमकीला चमकीला दिखेगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे जाते हैं दुकान पे, क्योंकि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो भाई लोग भी बैठे होंगे, तो निकलते हैं सीधे दुकान की तरफ। ये हमारी भाभी जी मालिश करते हुए दादा की, ये देखो फोन देख रहा है ये गंदा लड़का, ये गंदा लड़का फोन देख रहा है आ रहा। मेरी बाबू अभी जा रही है अपने घर को, और फिर मैं जाऊंगा दुकान, मैं भी जाऊंगा दुकान से, ठीक है।
तेरे को बाय बाय करके मैं दुकान जो दे दो शाम को। मैंने क्या बोला है? तो दाल वर्मा जी को हम एक पानी की बॉटल दे के सम्मानित करना चाहेंगे। और कैसा लगा वर्मा जी आपको हमारा गिफ्ट? बढ़िया। हमने आपको ऐसी चीज दी है जिसकी कमियां होते जा रही है, जल ही जीवन है। तो गाइस आ चुके हैं दुकान पे और हमारे मिस्टर अवधेश भैया, हमारे मिस्टर अवधेश भैया आज लेके आए फिर से हमारे लिए मोमोज। तो चार पांच दिन बाद हमारी फिर से मोमो पार्टी हो रही है। देखो आवा हो जाती है शाम होती आवा हो जाती है। और ये दोनों हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने आज सेम सेम अपर पहन रखा है, है? हमारे सूरज भाई इन द हाउस। सूरज भाई आ चुके हैं। सूरज भाई कैसे हैं? सूरज भाई भी हमारे बीच में हैं। और ये हमारी गैंग देखो, ये सारे यहाँ पर मोमोज वगैरह शुरू हो गई है। कैची से कटर वटर पांच छह चटनियों के पैकेट और मोमोज यहाँ पर दबा के आ चुके हैं। हमारे भैया लाए हैं, अवधेश भैया की तरफ से पार्टी है। अवधेश भैया हमारे लेके आ गए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे मोमो। तो गाइस ये मोमो जो है ये चार पांच दिन बाद, लेकिन चटनी सारी। हाँ मैंने आपको बोला कि पेट थोड़ा सा उठता तो मैंने उसके बाद दवाई खा ली थी और अब थोड़ा बेटर है। तो दो पीस लेकिन मैं खाऊंगा, दो ही पीस। हाँ दो पीस खाऊंगा उसके बाद आपको खिलाऊंगा। आप भी खाइए लेकिन कम खाइए। तीन फूल तो बहुत ही हो गए। मैं कहा खाने वाले भी तो हैं, खाओ खाओ। मैं कहा छह सात लोग हैं आराम से खाते रहेंगे। कम नहीं होना चाहिए। हाँ ज्यादा हो जाए वो ठीक, कम नहीं होना चाहिए। वैसे मोमो शरीर के लिए खराब होता है पर फ्राइड वाले नहीं। अवधेश भैया के लिए रेस वाली तालियां। मैं चलाता हूँ सूप। मोमो तो खाओ, कल मिला रहा यार। अवधेश भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि सबसे बड़े जो है हम सभी ग्रुप में जो जितने भी लोग हैं सबसे बड़े हैं। तो अवधेश भी हमें छोटे भाइयों की तरह मानते हैं तो हमारे लिए लेके आते रहते हैं। अवधेश भैया थैंक यू सो मच यार। ओके वेलकम। तो गाइस ठीक है मोमोज खाते हैं। एक पीस खा लिया, एक पीस और। अरे खाओ ये कप प्लेट ले बजा दो। वो कहां है? वो कस्टमर आ गया। अरे देख लो कम तो नहीं है, नहीं तो इसमें से डाल दो। वेज मोमो है, वेज। तो गाइस अब निकल रहे घर को, दुकान बढ़ा दी है भाई ने और भाई जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक है सूरज भाई मिलते हैं। तो ये रहे सूरज भाई हमारे गाड़ी लेके जाते हुए। तो भाई अब सीधे निकलते हैं घर को और अब घर जाने का टाइम हो गया, रात काफी हो गई। ये रही गाड़ी UP 14 गाजियाबाद नंबर। आगे बैठो। तो गाइस अब निकलते हैं सीधे घर की तरफ और आज वाले ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। और कपिल भाई और मयंक भाई मुझे अभी घर पे छोड़ देंगे। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको जल्द से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।